हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनीष, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेप्टिलियन लियो पर, जहाँ हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल लाइन से, द ब्यूटीफुल लाइन, और वो ये है कि कभी भी अपने आप को किसी गलती के लिए ना कोसें, क्योंकि नेवर बीट योर सेल्फ फॉर मेकिंग मिस्टेक। इट वॉज नेसेसरी फॉर यू टू वर्क थ्रू डेट रोड टू लर्न दोज लेसन्स, सो रिमेंबर इट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात फैक्ट नंबर वन के साथ। एंड द फैक्ट इज, फॉर द फर्स्ट टाइम, जी हाँ, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो टैटूज हम अपने शरीर पे बनवाते हैं आने वाले कुछ दिनों में कुछ इस प्रकार दिखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि ये पहली बार है कि इंजीनियर्स ने उस टेक्नोलॉजी को ढूंढ निकाला है जिससे कि इस तरह के टैटूज हम अपने शरीर पे बनवा सकते हैं। इसमें लाइट की वही टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जो कि हमारे फोन से या टीवी स्क्रीन के लिए लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अमेजिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड फैक्ट की तरफ, द रियलिटी। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ये जो कार कंपनी है जैसे बुगाटी, ऑडी, ये सब कंपनियाँ वॉल्सवैगन से बड़ी हैं। हमें और आपको चाहे जो भी लगता हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये जो कार कंपनियाँ बुगाटी, ऑडी, लम्बर्गिनी, ये सभी कार कंपनियाँ वॉल्सवैगन नाम की कंपनी के अंडर ही आती हैं। जी हाँ, ये सच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर थर्ड की तरफ, वेल्स एंड डॉल्फिन कैन रेजिस्ट कैंसर। जी हाँ, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैंसर नाम की बीमारी जो हम इंसानों को होती है, ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये समुद्री जानवर डॉल्फिन और वेल्स को भी होती हैं, लेकिन इनके अंदर कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है। दिस इज बिकॉज दे हैव TSG जीन्स, द जीन्स डेट प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम डेवलपिंग एंड ग्रोइंग एट अ 2.4 टाइम्स हायर देन इन अदर मैमल्स। देयरफॉर द कैंसर सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड एट अ वेरी फास्ट रेट। जी हाँ, ग्रेट इनोवेशन। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के टाइम में जहाँ पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर है, वहीं पे आज हैदराबाद में 40 रुपये प्रति लीटर ये इंसान पेट्रोल सेल कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को। जी हाँ, ये इंसान जिसका नाम प्रोफेसर सतीश कुमार है, ये हैदराबाद बेस्ड मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल बनाया है, और इस पेट्रोल को ये अपने वहाँ की इंडस्ट्री में 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहे हैं। सच में यार, ये ग्रेट इनोवेशन है। बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ फैक्ट्री की तरफ, द रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन अर्थ। जी हाँ, आज हम जितने भी रिचेस्ट पर्सन का नाम जानते हैं अपने अर्थ पे, चाहे जेफ बेजोस हों, इलोन मस्क हों या बिल गेट्स हों, इन सबको कई दूर पीछे ये इंसान जिसका नाम मनसा मूसा है, इनका जन्म 1280 में हुआ था और ये मेलियन अपार के शासक थे। इनका नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर का था, जो कि सॉल्ट और गोल्ड के प्रोडक्शन से और उनके सप्लाई से आता था। एक टाइम पे इन्होंने अपने साम्राज्य से गोल्ड और सॉल्ट का सप्लाई तकरीबन आधे देश यानी कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड में सप्लाई किया था, और आज तक इतना नेटवर्थ किसी का नहीं रहा, इसीलिए इनको द रिचेस्ट मैन लिव्ड एवन और अर्थ कहा जाता है। सेवेंथ फैक्ट है, ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर, जी हाँ, टाइटेनिक मूवीज जिसमें हीरोइन के कैरेक्टर नाम रोज डेविड बुकेटर था, इस कैरेक्टर को मूवी में दो इंसान ने निभाया है जिनकी पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ग्लोरिया स्त्रुथ एंड कैट विंसलेट, और ये पहली मूवी बनी थी जिसमें कि एक ही कैरेक्टर के रोल के लिए दो एक्टर को ऑस्कर नॉमिनेशन में मिला था। एट नंबर फैक्ट इज, फियर ऑफ गोस्ट। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनका नाम लेडी गैगा है, इन्हें भूत प्रेत यानी कि गोस्ट से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से इन्होंने तकरीबन $50,000 गोस्ट डिटेक्टिव मशीन में इन्वेस्ट कर रखा है। जी हाँ, शॉकिंग तो है ये, मतलब ऐसा भी क्या डर है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन्थ फैक्ट की तरफ, नाइन्थ नंबर फैक्ट इज, एज बायोलॉजिकली। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि
जो क्रोकोडाइल होता है यानी कि मगरमच्छ, ये कभी भी अपने बढ़ती उम्र की वजह से नहीं मरते हैं। ये मरते हैं तो या तो किसी बीमारी की वजह से, या फिर स्टार्वेशन किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर स्टार्विंग की वजह से, क्योंकि दे डोंट हैव एज बायोलॉजिकली। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ, डेट इज़ द लास्ट फैक्ट द जॉम्बीज मैन। जी हाँ, ये जो स्क्रीन पर जिस इंसान को देख रहे हैं, इन्हें द जॉम्बी मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका असली नाम बिली ओवन है। इन्होंने तकरीबन अपनी हाफ फेस कैंसर की वजह से खो दिया, और ये अब अपने करियर के बतौर मूवीज में जॉम्बीज का कैरेक्टर का एक्ट करते हैं, और वाकई में बहुत ही डरावना है भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। और चैनल पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ग्रोथ मिलेगी और चैनल को सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।